हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है निजी सरोज ब्लॉग। सो फ्रेंड, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से, और इस टाइम मुझे जाना है हमारे किमशू मंदिर में। वहाँ पे हो रही है हमारी किमशू ग्राम संगठन की फर्स्ट मीटिंग, तो इसी तरह से बने रहना। सो फ्रेंड, मंदिर जाने से पहले मैं आप सबको दिखाती हूँ आज के मौसम का व्यू। तो ये देखिए, कुछ इस तरह है आज का मौसम, बिल्कुल साफ। तो अब मिलते हैं सीधे जाकर मंदिर में। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे ग्राम संगठन की फर्स्ट मीटिंग है, तो यहाँ पे आए हैं CEO सुहानी मैम, ICRP ईश्वर भक्ति मैम, और BOD सीमा नेगी मैम, और कृषि उद्योग सखी भजन देवी मैम। सबसे पहले हम आज हमारे तरह से भी आए हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं आपका संघ, आपके VO, और आगे कितनी सीढ़ियां आपको चढ़नी है, आपको क्या क्या। सबसे पहले तो आप सभी समूह के सदस्य है ना, है कि नहीं है? कितने हैं आपके किमशू में? कम से कम 6 समूह है ना। तो ये है हमारा SHG, आप लोग हैं है ना। तो आप बताओ जरा, ये SHG कैसे बना? कैसे बना? सदस्यों को जोड़कर, है ना। नजदीकी जो महिलाएं थी 5, 6, 8, 10, तो आप जो है जुड़कर क्या बनाए, एक समूह बनाया, बनाया ना। तो आपके यहाँ पर समूह बने कि नहीं बने? कम से कम 5 या 6 समूह। VO यानी ग्राम संगठन। समूह में कितने सदस्य थे? किसी में 8 होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 12 होंगे, तो किसी में 7 होंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा से हमने समूह बनाया, लेकिन एक संगठन को कैसे किया, आप सबको इकट्ठा किया, है ना, किया कि नहीं किया। और इसका नाम हमने क्या रख दिया? किमशू रख दिया। जैसे कि हम समूह में सभी नाम रखते हैं ना अपने समूह का, उसी प्रकार से हम ग्राम संगठन का भी नाम रखते हैं। अब आपकी अचीवमेंट यहाँ तक है, VO तक है ना, लेकिन अब हम बहुत जल्दी आपका एक क्लस्टर लेवल, जो अगली मंजिल है, वो बनाने जा रहे हैं, जो कि 20 से पहले पहले बनेगी, है ना। तो फिर CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो ये CLF कैसे बनेगा? समूहों को जोड़कर ग्राम संगठन बना, अब क्या करेंगे हम, ग्राम संगठनों को जोड़कर क्लस्टर लेवल फेडरेशन तैयार करेंगे, है ना। तो अब आपके पास तो 2 ही VO है आपके पंचायत में, तो अब हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे VO? अपने नजदीकी पंचायत में जितने भी VO है नजदीक नजदीक में, कम से कम 6 या फिर 7 VO को जोड़कर CLF बनाएंगे, जिसका यहाँ पर भी एक नाम रखा जाएगा, है ना। अब ऐसे चीज में क्या करते हैं, आप एक डेट तय करते हैं ना कि इतने तारीख को हमारे समूह की मीटिंग होगी। सेम ग्राम संगठन में भी एक डेट रखा है जहाँ पर मीटिंग होगी, तो उसी प्रकार CLF में भी ऐसा ही होगा। ये तो था डेट का। यहाँ पर आप मासिक बचत करते हो कि नहीं? सभी करते हो ना, उसी प्रकार ग्राम संगठन में भी करते हो, इसी प्रकार CLF में भी होगा। अब SHG की मीटिंग कौन करते हैं? आप सभी सदस्य मिलकर करते हैं ना। तो ग्राम संगठन की मीटिंग कौन करता है, कौन जाता है ग्राम संगठन? प्रधान और सचिव, समूह के प्रधान और सचिव। अब ये यहाँ जाते हैं, मीटिंग करते हैं, आप सभी का वो मेंबरशिप लेके जाते हैं, हर महीने का लेके जाते हैं ना प्रधान और सचिव। इसी प्रकार CLF की मीटिंग में कौन जाएगा? प्रधान और सचिव कहाँ के? VO के। और ये क्या करेंगे, आप सबकी मेंबरशिप यहाँ भी जमा करेंगे। एक आप यहाँ करते जैसे भी, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, आज तक जितने भी फंड आए हैं। और अगर आगे 1-2 साल अगले साल की सोचते हैं, तो शायद कि हमारा CLF की अगली सीढ़ी होगी BLF ब्लॉक लेवल फेडरेशन। यानी कि अब CLF जितने भी हमारे ब्लॉक में CLF बने हैं, उन सभी CLF को जोड़ के पूरा किस क्या बनेगा, ब्लॉक का बनेगा। तो उस ब्लॉक, अब हमारे अगली सीढ़ी है DLF डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन। अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन क्या होगा, सभी ब्लॉकों को जोड़कर। हमारे पास तो 3 ही ब्लॉक है ना, तीनों ब्लॉक को हम जोड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन, है ना। बहुत आगे की सोच रहे हैं हम, जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत हाई लेवल के बिजनेस वगैरह होते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग काफ़ी कुछ कर ही रहे हैं, पर छोटे छोटे स्तर पर कर रहे हैं। CLF बनेगा, थोड़ा सा बड़ा स्तर पर करेंगे। तो अगर CLF के बाद ब्लॉक का बनेगा, तो फिर ब्लॉक लेवल का काम होगा, डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का। अब हम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पहुँचने के लिए थोड़ा तो समय लगेगा ना, हमारे को लगेगा कि नहीं लगेगा, जहाँ पर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा तो लगेगा। जैसे कि शिमला में बना है, शिमला में प्रगति नगर में है डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन बना है, तो वहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि मैम आप सभी गए हैं वहाँ पर, हम वहाँ देखेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट की महिलाएं जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। बड़े बड़े बिल्डिंग्स है और बहुत सारी मशीनें, हर प्रकार की मशीनें उन्होंने डाल रखी है, और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो हमें वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा तो समय लगेगा, लगेगा कि ऊपर चीज संभालेंगे और हम तक योजनाएं लाएंगे। इसी प्रकार हमारे पास जो CEO मैम है, आप BODs है, ये भी है, मतलब पूरी टीम वहाँ तैयार है, पूरे पदाधिकारी काम करने के लिए तैयार है, मैनेजमेंट करने के लिए हर प्रकार से तैयार है, और हम सबको वहाँ जुड़ना है और काम करना है। इस प्रकार से कृषि उद्योग सखी जी भी है, थोड़ा सा आप दोनों समझाते जाएंगे, है ना।
और थैंक यू सो मच आप लोग अपने कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं और आप उन महिलाओं में से उन 10% महिलाओं में से 1% महिलाएं जो आप अपने इतने कीमती समय निकाल के यहाँ पहुँचे तो आप बहुत आगे हो इस हिसाब से। तो सबसे पहले तो उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया कि इसीलिए ये फॉर्म हुआ ताकि महिलाओं को एक बार बता सके कि क्या गोल है छोटी छोटी चीज़ों के लिए मतलब इकट्ठे करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह बना। तो धीरे धीरे जैसे विलेज लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे ऐसे ऐसे करके बढ़ते गए अच्छा काम करते रहे आप सब महिलाएं तो इस तरह गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। अब आप लोग NRLM के थ्रू अपने स्टॉल वगैरह लगा रहे होंगे किसी क्या कहते हैं फेस्टिवल्स में लगा रहे हो स्टेट में लगा रहे हो उस टाइम आप लोग क्या करते थे अचार वगैरह बना रहे थे नॉर्मल चीज़ें बना रहे थे। अब FPC इसीलिए बनाया है ताकि आप जो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जैसे आप लोग सब्जियां बेचते हैं अभी पहले टेक्मा की बात हुई थी तो ऐसे आप लोग सिर्फ शादियों में थोड़ा थोड़ा करके दे पा रहे थे लोगों को तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर ही प्रोडक्ट आप लोग बेचोगे। FPC एक कंपनी है जो लीगली रजिस्टर्ड है कंपनी फॉर्म किया महिलाओं के लिए स्पेशली ताकि वो जो जैसे आप लोग सब्जियां उगा रहे हैं तो एक दूसरे के लिए बांटते हैं थोड़ा बहुत जैसे आप लोग कभी कभी मार्केट में भी पहुंच जाते हैं। FPC एक ऐसी कंपनी है आप हमें दोगे डायरेक्ट हम आपसे लेंगे और उसमें जो मेंबरशिप है 2000 रहेगा हम आपसे लेंगे और इमीडिएट आप लोगों को पैसे दे देंगे आपके क्रॉप का चाहे जो भी होगा हम जो फसल पे काम करेंगे उसके आपको इमीडिएटली पैसा मिलेगा प्लस जब हमको उससे मुनाफा होगा जितने भी मेंबर है उसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा वो जो उसका मुनाफा है 2000 तो आप लोगों का मेंबरशिप है और वो वन टाइम मेंबरशिप रहेगा। मतलब आप लोगों ने मेंबर FPC के मेंबर बनने के लिए एक तो फार्मर होना चाहिए जो कि हमारे किन्नौर में सभी है सभी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है और दूसरी बात यह है कि आपको 2000 देना पर लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप के लिए मेंबरशिप आप लोगों की ही कंपनी होगी ये आप लोगों से ही चलेगा हम जो सामान है वो किसी और से नहीं खरीद सकते एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग जैसे इस जैसे किमशू सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो ये व्यू है तो आप लोग डायरेक्ट मिलके अपने जो प्रोडक्ट है हमें दोगे तो हम उसको बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कोलैब करोगे अकेले अकेले बेचोगे तो क्या होगा सबका अपना अपनी गाड़ी का खर्चा अलग होगा उगाने का अलग होगा हर एक चीज़ का खर्चा बढ़ेगा अगर साथ सब मिलकर करेंगे तो एक बड़े लेवल पर ज़्यादा पैसा मिलेगा प्लस इस कंपनी में लगाने का ये फायदा दुकान में बेच देते हैं जितना दुकान से पैसा है उतना ही हमारा मुनाफा होता है पर कंपनी में इसे देने का मतलब ये ऐसा है कि कंपनी को कोई फायदा या ये उस चीज़ के लिए नहीं है इसीलिए ताकि उसका जो मुनाफा है उसका भी आप लोगों को इक्वली डिवाइड किया जाएगा उसके साथ साथ जो आप बेचोगे उसके उसका जो प्रॉफिट होगा उसको भी आपको दिया जाएगा तो ये एक फायदा है। और रही बात जैसे बताया कि अब इसमें जोड़ रहे उसमें जोड़ रहे ये इसीलिए जोड़ रहे पहले तो इनका काम था कि महिलाओं को इकट्ठा करना पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं होता था तो अब धीरे 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 करके बड़े लेवल पे काम हो रहा है। मेन इसका ये हम मशीनरी भी तैयार करेंगे और आप लोग जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचो हमें दोगे ना उसके लिए उसके बदले में हम आपको जैसे खाद तो सब लगा रही है आज के टाइम में तो हम आप लोगों को बाजार की कीमत से कम में बाजार से सस्ती रेट में हम आपको हम क्या कहते हैं खाद भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये है किसी के बारे में बाकी कोई क्वेश्चन हो ऐसे मैं सीक्वेंस वाइज नहीं समझा पा रही हूँ आज भी मेरा वैसे पहला विजिट है ये बाकी कोई हमारी अपनी कंपनी है हम बना रहे उस कंपनी को या बन चुकी है वो कंपनी हम लोगों ने बनाई मतलब कि उसमें आप लोग का जो 2000 रुपए जो एक बार वन टाइम वो होगा आप लोगों का मेंबरशिप ना वो बाद में रिटर्न भी मैं कृषि उद्योग सखी हूँ जैसे कि सीओ मैम ने सब कुछ बताया आप लोगों को ना FPO के बारे में जैसे कि आपको मैम ने बताया 2000 रुपए जो देना है ना सबसे पहले हमने मेंबरशिप के लिए 2000 रुपए जमा करना है वो 2000 रुपए जो हम जैसे कि हम लोग मान के जब 750 महिलाएं जुड़ना है इसमें ना हर ग्रुप से एक या दो महिलाएं जुड़ना ही जुड़ना है ये क्या है हमारे हमारे लिए फायदा है जैसे कि अभी तो आप लोग यहाँ पे PG भी नहीं बनाया ना उत्पादक समूह वो बनाने हम आएंगे बाद में अभी राउंड लगे ना उसमें हम आएंगे उसका फायदा ये है ना PG बनाने का फायदा है कि समूह में हम लोग कोई भी ना उत्पाद करते हैं मान के चलो हम आलू बीजते हैं ना ठीक है आलू को बीजते हैं हम लोग क्या करते हैं एक क्विंटल भी निकलता है तो भी हम लोग क्या उसको मार्केट तक नहीं ले जा सकते हैं ना उसको हम क्या करते हैं कि या तो रिश्तेदारी में देते हैं या तो आप लोग या किसी को ऐसे बांट देते हैं ना तो ये PG बनाने का मकसद भी यही है कि हम महिलाएं थोड़ा थोड़ा करके जैसे कि ग्रुप के माध्यम से बनाएंगे जैसे कि कुछ भी आलू के ऊपर बनाएंगे ना आलू बीजेंगे तो हमारे पास क्या कि क्विंटलों के हिसाब से बनेगा उसको हम PG के माध्यम से हम उसमें ले जा सकते हैं मार्केट में पहुंचाएंगे हम खुद ही या कंपनी में ले जाएंगे FPO में इससे क्या होगा कि महिलाओं की आजीविका में क्या होगी वृद्धि होगी है ना तो क्या होगा इस ये कंपनी में भी ऐसे कि हमने 2000 रुपए जमा करना है वो वापस मिलेगा और वही उत्पाद उसी से लेंगे जो कंपनी में जुड़े हैं ना महिलाओं से उनसे ही जैसे अभी जीरा लिया मैम ने बोला हमने जीरा लिया ना जीरा भी लेंगे और सीजन में कुछ टाइम लगा कि हम उसको रखेंगे उसको छानबीन करेंगे उसके लिए भी महिलाओं को ही काम देंगे एक महिलाएं ही उसी में काम करेगी उसका अच्छे से पैकेजिंग करेंगे फिर हम ऑफ सीजन में उसको हम 3000-4000 तक भी भेजेंगे उसका बेनिफिट जो होगा जो PG FPO में जुड़े हैं उसी महिलाओं को सभी को इक्वल बांटा जाए इसलिए आप लोग को ऐसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ना FPO में जुड़ना है ठीक है धन्यवाद।
तभी तो आपने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रजिस्टर खरीदे, बैंक में अकाउंट खुले, किसी भी चीज को शुरुआत करना है तो हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मेंबरशिप फीस है 2000 रुपए वन टाइम है, जो कि आपको रिटर्न होनी है, है ना। अब हमको वहाँ जुड़ना है तो ये देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा वो भी समझे। मकसद क्या था हमारा कि हमने एक ऐसा काम करना है जहाँ पर हम जो है सबसे पहले तो आपके यहाँ से चीजें उठा दे। आपके पास 5 किलो लहसुन है तो 5 किलो बाजार से लेके नहीं जाएंगे, पीजी ग्रुप बनेगा यहाँ पर, आप सभी जुड़े हैं तो 5 आपसे 5 आपसे करके 10 किलो उठा लेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं उठाना है। अब 2 किलो चीज है तो हम उसको 2 किलो राजमा के लिए आप बाजार नहीं जा सकते हैं, तो क्यों अपने आप अपने जगह में रखो ना स्टोर करके, आपके पास बेचने का जो बीच में बिचौलिया होता है कि इतने रेट में हमको दे दो ये करेंगे वो खत्म करना है। आप सभी जुड़े हो तो अब हमारा मिशन क्या रहेगा देखो। 750 महिलाएं जो है कल्पा ब्लॉक से जुड़नी है, जो कि लगभग 250-300 पूरे होने जा रहे हैं, 300 प्लस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पीछे आया है लेकिन लोग ग्रुप्स में तो भेजते रहते हैं सर, देख लिया करो वहाँ पर और पूछ लिया करो सवाल किसी से भी कि किसकी रिगार्डिंग है। 750 महिलाएं कल्पा ब्लॉक से जुड़ेगी, 2000 रुपये देगी लगभग लगभग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहा है 15 लाख रुपये। मैम ने कहा था कि हमारा मकसद है बड़े लेवल पे काम करना। अब आपसे तो हम इतने सामान उठा रहे हैं लेकिन वहाँ पर ग्रेडिंग पैकिंग लेवलिंग करने के लिए मुझे चाहिए ना। ऐसा तो होगा नहीं राजमा आपसे 10 किलो उठा लिया वहाँ से सीधे वो 10 किलो चला जाएगा। वहाँ हम उसको पैकिंग भी तो करेंगे ना, उसकी ब्रांड है हमारे CLFPC का नाम क्या है, सायराब के नाम से एक ब्रांड बना है। देखो ब्रांड बिकता है, अंदर क्या है वो नहीं रखता, मायने नहीं रखता, लेकिन हम महिलाएं जुड़ी है गलत काम तो करेंगे नहीं, हम अंदर भी अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अब राजमा वगैरह लिया है तो वहाँ पर पैकिंग तो होगी ना, अब हमने मार्केट वाले को थोड़ी ना बेचना है, हमने उसको बड़ी बड़ी कंपनियों में देना है ताकि हमारा मुनाफा हो सके, है ना। तो 15 लाख है, अब 15 लाख में हमारी इतनी सारी मशीनें आएगी क्या? नहीं, जो हम चाहते हैं उतनी तो नहीं आएगी ना, लगभग मान के चलते हैं। तो फिर हमें जो है यहीं पर गवर्नमेंट और 15 लाख रुपए दे रही है, जितनी हमारी मेंबरशिप यहाँ जमा होगी उतना 50 उसका उतना इक्वल हमें गवर्नमेंट दे रही है। अब 30 लाख रुपए हो गए तो 30 लाख में तो हम ला सकते हैं, है ना, वो मशीनें ला सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है ना। अब उदाहरण ये तो आप समझ गए ना मेंबरशिप का मतलब क्या है। इसके बाद उदाहरण है आपके किमशू का, आपके ब्रेलंगी का, कि यहाँ से 30 महिलाएं जुड़ी है लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ही है वो, आपके पास 5 किलो लहसुन है, किसी के पास 7 किलो राजमा है, किसी के पास 15 किलो है, किसी के पास कम भी होगा ज्यादा भी होगा। अब आप जब यहाँ एक पीजी ग्रुप बनाएंगे, आप सब जुड़ेंगे तो हम जो है आपसे जब चाहे आप उधर ला तो सकते हैं, लेकिन नहीं दूर वाले हैं तो नहीं भी क्यों ना, हम आपसे कॉन्टेक्ट होगी, एक तारीख आपको दी जाएगी कि इतने तारीख को हमारी गाड़ी आपके बीच आ रही है, अपना प्रोडक्ट तैयार रखो, गाड़ी आपके बीच आएगी और आपका पूरा माल उठा के ले जाएगी। अब यहाँ माल उठा के ले जाएगी, मैं मानती नहीं कीजिए, आपके पास 10 kg वो है क्या मतलब लहसुन है ना, आपकी यहाँ पर आपकी FBC के यहाँ पर गाड़ी आई जो भी आई, आपको 10 किलो का कितने के 150 के अकॉर्डिंग जो है आपको रेट दे दिया तुरंत। आप कितना कमाए यहाँ पे 1500 कमाए, खत्म, कमाया ना आपने, इन्होंने 1500 अपने घर द्वार में कमाया, अपने यहाँ पे कमाया क्योंकि उठाने के लिए आ गए। अब जो है यही चीज़ अब यहाँ जा रही है, यहाँ जाके ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेवलिंग पैकिंग सब कुछ हो रहा है, मान के चलो अब इसी को यहाँ पर अचार बनाना है तो वो उसी रेट में थोड़ी हमारे कल्पा ब्लॉक का अचार वो आ गया, लहसुन आ गया तो चलो लहसुन ही बेच गया, कम में आएगा तो हम अचार बना के बेचें, कंपनी यहाँ डिसाइड करेगी कि हमको किस किस वे में तैयार करके इसको बेचेंगे। अब मान के चलते हैं इन्हीं से 1500 से अचार बन गया 10 kg अचार, फिर लहसुन का अचार 150 में तो नहीं जाएगा, कितने में जाएगा 300। जो आपने कमाया एक तो आपने 1500 शुद्ध कमाए थे, लेकिन यहाँ जो यहाँ इन्होंने कमाया उसके भी इक्वल वो लोग है 750 लोग है, जो भी प्रॉफिट होगा वो 750 में बराबर बटेगा। एक तो आप शुद्ध पैसा यहाँ कमा रहे हो, दूसरा हमारे ही सामान जब यहाँ जाके अधिक मोल में बिक रहा है तो उसका जो प्रॉफिट भी हमारा है इक्वल है। तो ये फायदा है, अगर आप 10 kg आप बाजार जाओगे किसी दुकान वालों को बेच देंगे, क्या वो 200 में बेच रहा है उसके ही साधन हमारा है क्या? नहीं है ना। तो बस यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ से देंगे इनको, ये आगे बेचेंगे जो जितने भी जुड़े हैं वो सबका इक्वल राइट होगा उसमें, है ना, वो पैसा हम में बराबर होगा। सेम राजमा की बात करते हैं, 20 किलो राजमा है और 200 के हिसाब से आपने दे दिया है ना, तो वहां से तो आपने दे दिया खत्म, आप ले जाओ मेरा राजमा, हमारा तो इतना ही होता है ना आज तक, उसके बाद भी आप ढूंढते कि वो कहाँ बेच रहा है, वहाँ से प्रॉफिट में होता है कैसा? नहीं। लेकिन यहाँ पर FTC जो हमारा ही FTC हमसे बना है ना, ये किसी और से तो नहीं बना है, हम जितने भी 750 है हम सब जुड़कर ही काम कर रहे हैं ना यहाँ, तो हमारा अधिकार भी उतना ही रहता है हर चीज में। तो यहाँ पर दो प्रॉफिट है, एक हम डायरेक्ट बेच रहे हैं, दूसरा वहाँ जो अधिक मूल्य में बेच रहे हैं उसके लिए रखेंगे। पीजी ग्रुप भी यही है कि आप सभी जुड़ेंगे उसमें, 20 लोग ज्यादा नहीं है, उनका भी हालांकि फंडे वगैरह आने शॉप लगाने के लिए, तो क्यों ना मान के चलते आपका ही परे भगवती मोड़ के पास एक शॉप लेंगे जहाँ पर जो सभी जुड़े हैं वहाँ सामान देते हुए रखो, जिस दिन गाड़ी आएगी तो आपके वहाँ से उठा के ले जाएगी सारा सामान। एक दुकान बनाने के लिए आपको यहाँ पर फंड मिलता है पीजी ग्रुप में, है ना, तो फिर आप सारा सामान घर में ना रखते हुए दुकान में इकट्ठे करके रखो, फिर वो चलाना भी आप लोगों ने वो लगा देना, ट्रन लगा देना कि भाई यहाँ हमने दुकान लिया है, तो जो फंडिंग होगी जहाँ वहाँ पर भी RF मिलता है तो वो आपके उधर वो देंगे, रेंट वगैरह देंगे, उसके लिए पैसा मिल जाता है। इसीलिए आप एक शॉप भी खोल के रखते हैं जहाँ सभी का सामान वहाँ इकट्ठा रखो, एक दिन आप जो है नीचे पहुँचा दो या फिर गाड़ी आपके बीच आ जाए, जो भी दिन होगा, है ना, समझते ना। इतनी लेवलिंग करने वाला, पैकिंग करने वाला, हर चीज का अलग अलग होगा, लेकिन हम किसी और को उठा के थोड़ी लाएंगे, हर प्लीज मेरी मशीन करके आएगी और बढ़िया से मशीन चलाएगी। तो ये है, इसमें रोजगार के बहुत सारे चीजें हैं, पर हम जो है पहली सीढ़ी पे है तो थोड़ा तो ऐसा लगेगा कि क्या करना है, सीढ़ी चढ़ना है तभी तो पता चलेगा कि आगे क्या क्या होना है ना। तो चलिए।
आज तक जमा किए इनके समूह में, तो अब 6000 को हम, वो 6000 समूह का है लेकिन समूह सदस्यों से बना है, तो वो सदस्य में बराबर बराबर होगा ना। हम 6 का कितना कितना बना, 1000 रुपए। अब हम 6 का पासबुक बन रहा है तो वहाँ पर प्रारंभिक शेष राशि करके आप 1000 डालोगे, उसके बाद तो हर महीने जितना आप 200 दे रहे तो 1000 और 1200 हो जाता है, फिर अगले महीने 200 देंगे तो 1400 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से निकालना है। इसके बाद जो इंटरलोनिंग करते हैं वो इनका पैसा निकालना है टोटल मास, वो प्राप्ति और भुगतान प्रॉपर करना है आपने, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, बाकी एक्टिविटी ये जो है आज तक की वो नहीं लिखना है, हम नहीं बोले ये लिखो, लेकिन एक चीज है पैसा आज तक समूह के पास कितना है वो निकालना है और उनको कहाँ कहाँ खर्च किया है वो चाहिए। और पैसे के झगड़े का कारण भी हो सकता है ना, सामने तो ना बोले लेकिन पीठ के पीछे जरूर बोलेगी, उसको देखना आसान है, आप भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते, कोई भी देख सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना सब, इतने तारीख को इतना पैसा आया, इतना भुगतान हुआ। अब ऐसा करना है आपने, जब भी रजिस्टर आएगा वो कैश बुक को प्रॉपर निकालोगे, बाकी का कोई मतलब नहीं है, बाकी तो सेम चलेगा लेकिन समूह। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग था बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।